अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स डायरी दिस इज अब्दुल रहमान और आज हम रीनल मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे कि हाउ और किडनी कैन रेगुलेट द ब्लड पीएच इन अ नैरो रेंज एज वी ऑल नो द किडनी रेगुलेट द ब्लड पीएच बाय मेंटेनिंग द अल्कली रिजर्व्स एंड एक्सक्रीटिंग और रीअबॉर्बिंग द और बेसिक सब्सटेंस ऑन डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि वो अलकदी जो कि हमारी बॉडी में वैसे ही कम बनते हैं बेसिक्स कंपाउंड जो होते हैं उसको जो है वो मेंटेन करता है उसको एक्सक्रीट नहीं होने देता नॉर्मल सिचुएशंस में दूसरा ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन एब नॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उस केस में अगर ज़रूरत पड़े तो एसिड या बेस को रीऑबजॉर्ब करता है या अगर सिचुएशन डिमांड करे तो ये एक्सक्रीट भी कर देता है इट ट्राइज अ परमानेंट सोल्यूशन टू एसिड बेस डिज इससे पहले जो हमने मैकेज्म पढ़े हैं जैसे ब्लड बफर सिस्टम था या हमारे पास रिस्पेरेटरी मैकेजम है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं थे वो टेम्पररी जो है कोई सोल्यूशन होता था कि उस वक्त के लिए पीएच को रेगुलेट कर दिया जाता था लेकिन लॉन्ग टर्म जो परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए हमारे पास जो है वो रीनल मैकेजम है यूरिन का जो पी होता है वो अराउंड uh, सिक्स होता है जो कि है इन कंट्रास्ट टू ब्लड जो कि सेवन पॉइंट फोर होता है इसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन आइन्स जनरेटेड बाई बॉडीज़ आर एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन हेन्स एसिडिफाइड द यूरिन हमने कहा था कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि ब्लड के अंदर पी एच हाइड्रोजन आइन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा बनती है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पी एच है वो सेवन पॉइंट थ्री फोर है जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है उसकी रीजन यह है कि जो एक्सेस हाइड्रोजन बनती है वो ज्यादातर रीनल के थ्रू या हमारी किडनी के थ्रू निफ्रॉन्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है और उसकी वजह से नॉर्मली हमारा जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है हाउ एवर पी एच ऑफ यूरिन कैन वेरी बिटवीन फोर पॉइंट फाइव टू नाइन पॉइंट फाइव डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन यूरिन का पीएच जो है फिक्सड नहीं है मोस्टली एसिडिक होता है नॉर्मल सरकमस्टांसिस में लेकिन ये फ्लक्चुएट कर सकता है 4.5 से 9.5 के दरमियान रीज़न ये है कि अगर अब नॉर्मल कंडीशन हो तब भी हो सकता है या अगर हम बहुत ज्यादा वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उस केस में भी पीएच जो है वो ज्यादा अल्कलाइन की तरफ जा सकता है अब कुछ एक इंजाइम है कार्बोनिक कार्बोनिकलहाड्रेट हमने इससे पहले भी काफी बार इसको स्टडी किया है इट्स बेसिक इंजाइम मेन इंजाइम यही है जो कि रेगुलेट करता है पीएच को थ्रू किडनी ठीक है सो so, ये जो कार्बोनिक इनहाइड्रेस है इट्स द की इन्जाइम इन रीनल रेगुलेशन ऑफ पी एच बाई यूजिंग द फॉलोइंग फोर मैकेनिज्म ये इंजाइम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है बाई यूजिंग ऑल दीज फोर मैकेनिज्म टू रेगुलेट द पी एच जिसमें सबसे पहले क्या है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस कि एक्सेस हाइड्रोजन आइंस को थ्रू रीनल जो है किडनी जो है उसको एक्सक्रीट किया जाए रीअबज़ॉर्बेशन ऑफ द बाई कार्बोनेट यानी अल्कली रिजर्व्स को जो है वो मेंटेन किया जाए उसको रीअबज़ॉर्ब किया जाए उसको एक्सक्रीट ना होने दिया जाए ताकि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट के रिज़र्वस को मेनटेन रखा जा सके फिर है एक्सक्रीशन ऑफ द टाइट्रेटेबल एसिड्स सो वो एसिड uh, जैसे कि हमारे पास इसमें फॉस्फेट्स वगैरह हैं वो एक्सक्रीट आउट करे और वो साथ साथ अपने हाइड्रोजन आइंस को भी एक्सक्रीट करे इसको हम डिटेल में देखेंगे यानी टाइट्रेटेबल एसिड्स वो होते हैं जिसमें लूज प्रोटॉन होता है या टेंडेंसी होती है लूज प्रोटॉन की और एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आइन्स ये सबसे प्रिडोमिनट हमारे पास एक फैक्टर है जो कि हाइड्रोजन आइंस को एक्सक्रीट करता है थ्रू यूरिन और पी जो है ब्लड का उसको रेगुलेट करता है तो सबसे पहले हम क्या, देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आइन्स तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको थ्री लेयर्स में देखें कि एक हमारे पास प्लाज्मा है फिर प्लाज्मा के साथ रीनल ट्यूबुलर सेल्स है जिसमें मुख्तलिफ चीजों की अब्सॉर्प्शन हो रही है आ, सोडियम की या बाइकार्बोनेट की और ट्यूबुलर ल्यूमन है ट्यूबुलर ल्यूमन या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है जब आपने निफ्रॉन का अगर स्टडी किया है तो उसमें ग्लोमेरुलस होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है लूप ऑफ हेनले होता है और डेक्स डिस्टल ट्यूब्यूल होता है तो नॉर्मली हमारे पास जो सब्सटेंस होती है वो अगेंस्ट हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ होती है मेम्ब्रेन में से पास होती है तो ट्यूबुलर ल्यूमन में आती है और एक्सक्रीट हो जाती है सो ट्यूबेल और ल्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक इन कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और कार्बोनिक एसिड फिर स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बाइकार्बोनेट आयंस हमारे पास क्या है अल्कली है और अल्कली रिजर्व्स को एक्सक्रीट नहीं होने दिया जाता लिहाजा ये वापस रीऑब्जॉर्ब हो जाता है अलॉन्ग विद द सोडियम और रीजनरेट हो जाता है वापस ब्लड में आ जाता है इन प्लाज्मा में, में आ जाता है जबकि हाइड्रोजन जो होती है चूंकि ये एक्सेस में है तो इसको जो है आगे डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियन ट्यूबेलर ल्यूमन में जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है जहाँ वो बेस के साथ मिल के जो है वो यूरिन में आके एक्सक्रीट हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन का जो है वो स्लाइटली जो 6.4 है यानी एसिडिक हो जाता है ठीक है और दूसरा जो मैकेनिज्म है रीअब्सॉर्बेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन इसका भी सेम मैकेनिज्म है कि अगर ट्यूबल ट्यूबुलर ल्यूमन में जो भी प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट फिल्टर होके आता है ट्यूबुलर ल्यूमन में तो जाहिर ट्यूबुलर ल्यूमन से वो एक्सक्रीट होने से पहले रीऑब्जॉर्ब हो जाता है यानी हाइड्रोजन के साथ मिलके के कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक इनहाइड्रेज एंजाइम इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है

वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं विद द इन द यूरिन तो इस तरह से बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्बेशन हो जाती है थर्ड नंबर पे एक्सक्रीशन ऑफ द टाइटरेटेबल एसिड है किडनी सो so, अगर हम उसको आसान वर्ज में देखिए अमाउंट ऑफ द एसिड दैट इज एक्सक्रीटेड इंट यूरी विद द हेल्प ऑफ द किडनी दिस केन बी एस्टिटेड बाई ट बैक टू दॉर्मल पी एच ऑफ द ब्लड हम इसको एस्टिमेट भी कह सकते इस तरह कर सकते हैं कि यूरन का जो पी एच है उसमें हम आ, बेस की कैस क्योंकि वो एसिडिक होता है उसमें हम कितना बेस वापस डालें ताकि यूरिन का पीएच वापस ब्लड की तरह 7.4 पॉइंट फोर पर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं टाइट्रेटिंग कैपेसिटी इन इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स में अगर हम देखें तो टाइट्रेटिबल एसिडिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ मिली लीटर ऑफ नॉर्मेलिटी पर टेन

ब्लड है जहाँ पे बायकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा है रीनल ट्यूबुलर सेल्स है उसमें अगेन वही एक्टिविटी हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन जो है डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है ट्यूबर ट्यूबुलर ल्यूमन से जबकि हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट ऑफ हो जाता है ट्यूबुलर ल्यूमन में ट्यूबुलर ल्यूमन में हमारे पास जो हमने फॉस्फेट सिस्टम पड़ता उसमें हमारे पास सोडियम डाई सोडियम फास्फेट होता है बेसिकली डाई सोडियम फास्फेट स्प्लिट हो जाता है सोडियम में जिसमें से ये सोडियम रियबार्ब हो जाता है ट्यूबुलर सेल और वहां से फिर ब्लड के अंदर जबकि जो मोनोसोडियम फास्फेट है इसके साथ ये जो अक्स हाइड्रोजन है, है जो एक्सक्रीट आउट हुआ हुआ है ये मिलके सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है क्या बनाता है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट और एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन में ये जो सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट फॉस्फेट है या ये जो हाइड्रोजन जो कि ट्यूबुलर सेल्स से हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमन में आया हुआ है ये बेसिकली पीएच को 7.4 से जो कि ब्लड में 7.4 था उसको लेके आता है नीचे कहाँ पर 4.5 तक क्योंकि हम कहते हैं कि जब हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो पीएच जो है वो कम होता जाता है सो so, यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन यूरिन में बढ़ जाती है तो पीएच जो ब्लड का 7.4 है वहाँ से ड्रॉप डाउन होके 4.5 पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली पी जो यूरिन का है वो एसेटिक होता है फिर हमारे पास जो एक फोर्थ मैकेनिज्म है दैट इज़ एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनियम आइन

बेसिकली हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसको हम ग्लूटामीन कहते हैं उसमें से एक अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है जिसको डी हम कहते हैं और उस ग्लूटामीन को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूटामेट में और अमोनिया में और इसके लिए पीछे जो एंजाइम इन्वाल्व है वो है ग्लूटामिनेज और इस तरह ये जो अमोनिया है इसके साथ जब एक हाइड्रोजन और मिलेगा तो ये बनाएगा इस डायग्राम से आपको फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा अगेन ट्यूबुलर ल्यूमन है जहां पे हाइड्रोजन ने एक्सक्रीट आउट होना है और ये हमारे पास ब्लड है और ये दरमियान में रीनल ट्यूबुलर सेल्स है जिसमें ब्लड से होती हुई चीजें एब्जॉर्ब होती हैं और वापस ब्लड में भी आती हैं और ट्यूबुलर ल्यूमन से यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है तो ये जो मेकेजम है ग्लूटामीन जो है प्रेजेंट होता है वो रीनल ट्यूबुलर सेल के अंदर में मौजूद होता है और ये ग्लूटामीन विद द हेल्प ऑफ इन्जाइम ग्लूटामिनेज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूटामीन में और अमोनिया में ये अमोनिया जो है ये जो है डाउन द कंसनट्रेशन रेडियन ट्यूबुलर ल्यूमन में जो है वो एक्सक्रीट होता है और ट्यूबुलर ल्यूमन में चूँकि साथ ही हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट हो रहा होता है तो ये हाइड्रोजन अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम आयन बनाता है सो वंस जब अमोनियम आयन बन जाता है तो ये वापस ट्यूबुलर सेल में वापस नहीं जा सकता और एक्सक्रीट आउट हो जाता है कहाँ यूरिन में और पीएच को यूरिन के जो है वो ड्रॉप करता है यानी एसिडिक करता है सो तीन मैकेनिज्म है हमने पढ़े हैं फॉस्फेट है और दूसरा हमारे पास क्या है अमोनियम आइंस है और डायरेक्ट हाइड्रोजन आइंस की एक्सक्रीशन भी होती है ट्यूबुलर लूमन में जिससे पीएच हमारा यूरिन का एसिडिक होता है और ओवरऑल जो है बाइकार्बोनेट की वापस रीजनरेशन होती है सो अगर रीनल मेकेजम को हम आ, ये भी कह सकते हैं कि इसमें ओवरऑल रिसाइकल होता है बायोकार्बोनेट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात हो रही है जबकि हाइड्रोजन आइन जो एक्सेस हाइड्रोजन आइन ब्लड में मौजूद होता है वो एलिमिनेट होता है यूरन के अंदर

जो बॉडी का एसिड है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है फॉर दिस रीजन रीनल रेगुलेशन वाया अमोनियम एक्सक्रीशन इज वेरी इफेक्टिव इलिमिनेट लार्ज क्वानिटी ऑफ एसिड प्रोड्यूसड इन द बॉडी सो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो ज्यादातर के थ्रू बॉडी सेटिकुलरली इन एसिडोज अगर खुदा ना खासा कोई बॉडी में ऐसी कंडीशन जैसे कि रेस्पायरेटरी या मेटाबोलिक एसिडोस कंडीशन डिवेलप होती है तो उसमें यह मैकेजम रेस्क्यू करने आता है और एक्सेस हाइड्रोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर देता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिनल ऑफ फॉर रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज